मदनली शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब हमास पर ही इल्जाम लगा रहा है अमेरिका कि हमास नहीं मान रहा जंगबंदी के लिए, शर्तें लगा दी गई हैं। धरा जी, बात ऐसी है कि देखिए, दो अरब डिप्लोमैट्स थे जिन्होंने टाइम्स ऑफ इसराइल में उनको बताया कि मिस्र ने एक प्रपोजल रखा था, एक प्रस्ताव रखा था कि 48 आवर्स, दो दिन की, 48 घंटे की सीज फायर होगी, जहां पे हमास ने बोला कि वो तैयार नहीं थे रिलीज करने के लिए। चार इजरायली होस्टेजेस की बात हुई थी, अब वो कि 10 दिन, अगले 10 दिन के अंदर वो चार इजरायली होस्टेजेस को रिहा कर दें, लेकिन ऐसा दो अरब डिप्लोमैट्स ने बताया है। एंथनी ब्लिंकन साहब की बात हुई, जब इजिप्शियन मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर हैं बद्र अब्दुलती हिसाब से, तब उन्होंने ये घोषित किया कि हमस सीज फायर के लिए राजी नहीं है, कि जंगबंदी के लिए राजी नहीं है, भलाई टेम्परी हो, कुछ देर के लिए हो, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी कुछ कंडीशन और लगा रखी हैं और वो कंडीशन मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, और वो ये उन्होंने ये भी कहा कि हमस ने एक भी होस्टेज को छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि हमस को सबसे पहले तो जितने भी बंधक हैं उनको सबसे पहले तो रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो रखेंगे ये सोच के कि हम इससे कुछ नेगोशिएट कर पाएंगे बंधक को रख के, माफ कीजिएगा, उनका उनका सोचना ये बहुत गलत होगा। ये कुछ नेगोशिएट की पोजिशन में होंगे ही नहीं, ये कर ही नहीं पाएंगे, तो ये ऐसी अपनी ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि आगे खाई पीछे कुआ, तो इनके बस की बात नहीं। अगर ये, और वैसे भी छह बंधक थे जिनको आईडीएफ ने, जिनकी एग्जीक्यूटेड बॉडीज को वहां से निकाला था, बहुत ही खराब, 23 ईयर ओल्ड एक इकलौता बच्चा था किसी का, और तो इसमें इजरायली प्रोटेस्ट भी हुई। तो देखिए, बात ऐसी है कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, दोनों को मेज पर बैठ के बिठा के, चाहे मिस्र हो, कतर हो, कोई जो न्यूट्रल पार्टीज हैं, वो उनको बैठकर इनसे बात करनी पड़ेगी, एक प्रस्ताव रखना पड़ेगा जो कि रीजनेबल प्रस्ताव हो, जो कि माना जाए, और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई डिसाइड करनी होगी। और नहीं तो फिर अमेरिका बोलेगा कि भाई हमस की वजह से ही जंग नहीं रुक रही है। नेतन्याहू गाजा पट्टी के अंदर, नेतन्याहू ऑलरेडी कितने 42,800 प्लस तो मैं आंकड़ा था, और भी होगा, मासूम, बेगुनाह, बेबस, लाचार, मजलूम महिलाएं, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, निहत्ते मारे जाएंगे इसके अंदर, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा एक आम नागरिक का। हमस तो, जैसे लोग कहते हैं कि हमस तो स्कूल के नीचे, कॉलेजेस के नीचे, अस्पतालों के नीचे अपनी सुरंगें खोदकर ह्यूमन शील्ड की तरह उनको इस्तेमाल करेगा, मारा कौन जाएगा? मारा जाएगा जो आम नागरिक होगा। उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ये है कि बस वो गाजा पट्टी में पैदा हुआ है, और कोई गलती इसकी है ही नहीं इसके अलावा। तो तालियां हमेशा दो हाथ से बजेंगी, हमस को भी सोचना पड़ेगा और आईडीएफ यानी कि नेतन्याहू को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे मासूमों का खात्मा इसमें ना हो, उग्रवादियों को चुन चुन के मारा जाए, कोई बात नहीं, इसमें उग्रवादी जिन्होंने हथियार उठाए हैं, उग्रवादियों ने, उनको चुन चुन के मारिए, कोई रहम उनके लिए नहीं है, लेकिन निहत्ते सिविलियंस के लिए मेरा दिल रोता है उनके लिए। सायरा जी, जी बिल्कुल। और मोहम्मद अली शाह जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि यहाँ पर तमाम अरबिक कंट्रीज को साथ में आना होगा, तभी कुछ हो सकता है? ये अरब जो देश हैं, जो खासतौर से आप उदाहरण के तौर पे एक आप ले लिए ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये एक ही पेज पे है ही नहीं, ये साथ आ ही सकते हैं कभी किसी, हर कोई अपना मतलब देखेगा, और जाहिर सी बात है क्यों ना हो, हर कोई अपना मतलब सीधा करेगा। जैसे कि सऊदी अरेबिया और सीरिया ने कह दिया था कि ईरान के जो एयर अटैक्स हैं, जो मिसाइल, उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी इसराइल पे हमला करने के लिए, और अन्य, तो ये एक ओआईसी की दो एक महीने पहले मीटिंग होने वाली थी मिस्र के अंदर, जो कि दो भागों में हुई थी, एक ही भाग में हो पाई क्योंकि ये एक ही पेज पे नहीं थे। अब देखिए, जो मैंने आपको चार बंधक की बात बताई थी कि जो बात हुई थी कि इनको रिलीज होने वाले थे, ये सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी में आते थे। ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी क्या है? वो है जैसे कि खवातीन हो गई, या बुजुर्ग हो गए, या कोई बीमार हो गया, ऐसे लोगों को उनको छोड़ना था, ये इसकी बात हुई थी। और इसके बदले में इसराइल 100 फिलिस्तीनी सिक्योरिटी प्रिजनर्स को बंधक को रिहा करेगा।
ये डिप्लोमैट्स ने कहा था, जो दो डिप्लोमैट में बताया था जो टाइम ऑफ इसराइल में जिन्होंने बयान दिया था। आप देखिए इसराइल और हमस के जो की जो बातें होती तो तकरीबन 12 दिन की डील में ये बातें होती। 12 दिन कौन से, उस दिन का जो सीज फायर और 10 दिन तक जो वो बंधक, वो चार बंधक को रिहा करेंगे। लेकिन हमस ने ये क्लियर कह दिया था कि हम तभी एक शॉर्ट टर्म सीज फायर के लिए हम तैयार होंगे जब एक लॉन्ग टर्म सीज फायर होगा। लेकिन देखिए रीजनेबली अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म धीरे धीरे करके तो आगे बढ़ेंगे ना, एकदम से। बिल्कुल, देखिए जो हमले लगातार हो रहे हैं गाजा में उन पर भी रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद जंगबंदी की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।